दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप लोगों का स्वागत है वीडियो में। दोस्तों आइए संख्या श्रृंखला या नंबर सीरीज, आइए वर्ग अथवा घनों पर आधारित श्रेणियां, आइए देखते हैं उन श्रेणियों को हम कैसे हल करना सीखें। अक्सर सभी एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं दोस्तों। तो मेरे पास में श्रेणी है 1, 4, 9, 16, 25, 36 और ये खाली जगह है, ये भरनी है। बड़ा सिंपल सा है, सभी लोग कर चुके हैं इसको, लेकिन हम सीख रहे हैं। इसमें आगे और भी सवाल एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, तो वीडियो में आप बने रहें, स्किप ना करें प्लीज, वीडियो बहुत अच्छी होने जा रही है। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स पर हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो नेचुरली यहां पे 7 का स्क्वायर 49 आएगा। आइए हम इसका अगला उदाहरण लेके चलें। अब मेरे पास में संख्या है दोस्तों 17, 39, ये एक सीरीज है, 69, 107, 153 और ये एक क्वेश्चन मार्क, ये आपको भरना है। तो आइए इस सीरीज को कंप्लीट करें। ये भी वर्ग या स्क्वायर पर आधारित है। इस तरह की सीरीज को करने के लिए जो इस प्रकार की श्रेणियों में दो पदों के बीच अंतर हमेशा वर्ग या घन के रूप में होता है, इसके अलावा इसमें अन्य गणितीय क्रियाएं भी सम्मिलित रहती हैं। अब ये तो किसी का वर्ग नहीं है, तो ये किस प्रकार होगा कि हम इसका नियर अबाउट देखेंगे कि कौन सी संख्या का वर्ग आता है। 4 का, तो 4 का वर्ग जमा में 1 क्या हो गया दोस्तों, 17। 4 चौक 16 और 1 17। अब इस संख्या को हम देखेंगे, ये 6 का वर्ग जमा 1, अब इस संख्या को लेंगे हम 8 का वर्ग जमा में, यहां पे 2 आएगा दोस्तों, 39 है ये, 37 नहीं है, 2। तो वर्ग जमा में 1, वर्ग जमा में 2, वर्ग जमा में 3, 8 का वर्ग करेंगे हम तो क्या आया 64 में हमने ये तो कुछ और चल रही है, ये यहां पे प्लस में, ये हमारे पास ओड नंबर में चल रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे क्या आया, ये 6 छन 36, 36 जमा में 3, 39, 8 और 2 64 जमा में 5, 69। अब इसमें चलेंगे, ये हमारे पास में 10 का स्क्वायर, देखिए यहां पे ये किस तरह से चल रही है, पहले 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यानी कि जो इवन नंबर हैं हमारे, ये स्क्वायर में इवन नंबर चल रहे हैं और प्लस में हमारे पास में जो संख्याएं चल रही हैं वो ओड नंबर चल रहे हैं। तो 10 का स्क्वायर प्लस में 7। अब इसी प्रकार हम इसमें चलेंगे, तो ये हमारा होगा 10 के बाद में क्या आएगा, 12 का स्क्वायर, और 7 के बाद में क्या आएगा, ओड नंबर 9, 12 का स्क्वायर 144, 144 में हमने 9 जोड़े तो 153। अब 12 के बाद में क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 14 का स्क्वायर, और 9 के बाद में क्या आ जाएगा, 11, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, 14 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 196 में हम 11 को जोड़ेंगे, क्या आ गया हमारा 207, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। आइए अब हम चलते हैं, ये तो होंगे हमारी वर्गों पर आधारित। अब हम इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जो सीरीज हमारी घनों पर आधारित हो, उनको हम कैसे करेंगे। तरीका वही होगा कि दो पदों के बीच में घन का रूप होगा और उसके अलावा उसमें दूसरी गणितीय क्रियाएं भी सम्मिलित होंगी या नहीं भी होंगी। हो सकता है क्यूब के बाद में प्लस हो या माइनस हो, इवन में हो या ओड में हो,
मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। तो ये मेरे पास में एक सीरीज है 0, 6, 24, 60, 120, 210 और ये हमको अज्ञात है, ये हमें मालूम करनी है। तो इसको मैं आपको बता रहा हूं क्यूब पर आधारित, घनों पर आधारित। तो इनको हम कैसे हल करें। अब ये जीरो है तो जीरो कैसे आ सकता है, अगर हम वन का क्यूब करें, वन का क्यूब माइनस वन, एक का क्यूब ऑलवेज एक ही होगा उसमें, तो हमने एक में से एक को माइनस किया, हमारा क्या आया जीरो। अब हमारे पास में ये संख्या है सिक्स, ये क्या है टू का क्यूब माइनस टू, ये माइनस वन है माइनस टू है, ये संख्या वन है ये टू है, तो नेक्स्ट हमारे पास थ्री आएगी। दो का हम क्यूब करें, घन करें, तो कितना आया आठ, और आठ में से दो गए हमारे छह। अब ये है हमारे पास संख्या चौबीस, ये सीरीज हमारी बराबर चल रही है वन टू, तो यहां पे क्या आएगा थ्री का क्यूब, ये वन माइनस में वन, माइनस में टू, माइनस में थ्री, इसी तरह से। तो तीन का घन होगा सत्ताईस, सत्ताईस में तीन गए चौबीस। अब दोस्तों ये है चार का क्यूब माइनस चार, चार का क्यूब कितना होगा दोस्तों चौसठ होता है, और चौसठ में से चार गए सिक्सटी। अब ये पांच, पांच का क्यूब माइनस पांच, पांच पंजे पच्चीस, पच्चीस में से पांच गए दोस्तों एक सौ पच्चीस में से, पांच पंजे पच्चीस, पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस में से माइनस के पांच हुए, तो क्या बचा हमारे पास एक सौ बीस। अब दोस्तों ये हमको क्या है हमारे पास में, अब हम चलेंगे छ का, तो छ का घन कितना होता है दोस्तों दो सौ सोलह, उसमें से हमने दो सौ सोलह में से छह घटाया दो सौ दस आ गया। तो अब तो आप इसको कर ही चुके हैं कि सात का क्यूब माइनस सात, सात का क्यूब कितना होता है दोस्तों तीन सौ तैतालीस, उसमें से सात हमने माइनस किए, क्या आया हमारे पास तीन सौ छत्तीस। इस तरह से ये क्यूब पर आधारित जो हमारी सीरीज होती है वे होंगी। आइए हम थोड़ा आगे बढ़े, इसका एक उदाहरण हम और लेके चलते हैं। तो आप भी इसको साथ साथ कोशिश करिए। तो हमारे पास में एक सीरीज है ये दो नौ अट्ठाईस पैंसठ, ये खाली स्थान बीच में दे दिया, ये भरना है आपको, लास्ट में है दो सौ सत्रह। तो ये भी घन पर आधारित है। तो देखिए इसमें क्या है, दो वन का क्यूब प्लस में वन, एक का क्यूब करेंगे एक जमा में एक किया तो दो आया। अब ये हमारे पास में है क्या हो गया दोस्तों, दो का क्यूब कितना होगा आठ, और जमा में हमने क्या किया एक। अब देखिए यहां पे एक का क्यूब दो का क्यूब, तो आगे क्या होगा तीन का क्यूब, इसी को कर लेते हैं, दो का क्यूब आठ जमा में एक नौ। अब हमारे पास में तीन का क्यूब करिए साहब, तीन का क्यूब किया सत्ताईस और जमा में एक अट्ठाईस, अब ये संख्या है हमारे पास में पैंसठ। चार का क्यूब जमा में एक कितना हो गया पैंसठ, अब इसी तरह से पांच का क्यूब जमा में एक, क्या आया दोस्तों एक सौ पच्चीस, हो गया कंप्लीट। अब इसको करते हैं छह का क्यूब जमा में एक, छह का क्यूब दो सौ सोलह जमा एक दो सौ सत्रह। इस तरह से हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो गई। ये तो थी वर्ग और घनों पर आधारित। इसके अलावा हम कुछ और लेके चलते हैं, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि उस तरह के हम कुछ उदाहरण और भी करेंगे। तो ये मेरे पास में एक सीरीज है वन फोर सेवन टेन, ये खाली जगह है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए या खाली जगह छोड़ लीजिए, बात एक ही है दोस्तों। फिर है सोलह उन्नीस और बाईस,
ये भी हमारा खाली स्थान है, लेकिन था खाली लेकिन मैंने भर दिया, कोई बात नहीं। आइए इसको पूरा करें। अब इनमें पहले हम इस पोर्शन को ले लेते हैं, कितना अंतर है, एक में हमने प्लस किया तीन, कितना आया चार, चार में हम प्लस करेंगे तीन, कितना आया दोस्तों सात, अब हम सात में फिर प्लस करते हैं तीन, कितना आया दस, तो ये संख्या भी हमारी प्लस में तीन होगा, कितना आएगा यहां पे दोस्तों तेरह, और तेरह में अगर हम प्लस तीन करें सोलह, चलती जाएगी कितना ही बढ़ाते रहें। आइए इसका नेक्स्ट एक उदाहरण और लेके चलें कि हमारे पास में एक सीरीज है, ये पांच तेरह, दोस्तों यहां पे खाली स्थान है, ये भरना है, फिर है 109, 325 और दोस्तों 973। संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं, देखिए, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ये ध्यान रखते हैं। अगर संख्याएं एकदम बहुत ज्यादा बढ़े तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और अगर एकदम बहुत ज्यादा घट रही हैं तो ध्यान रखे दोस्तों डिवाइड होगा। तो किस तरह से हम इसको करें, तो हमने क्या किया कि इसके और इसके बीच में देखिए पांच से सीधा तेरह है, तो पांच तिया पंद्रह माइनस दो, कितना हो गया पांच तिया पंद्रह माइनस दो तेरह। अब यहां पे हम चलते हैं इस खाली स्थान पे, तो हम वही गुणा तीन माइनस दो, गुणा तीन माइनस दो, तेरह तीन उनतालीस, उनतालीस माइनस दो कितना आया दोस्तों सैतीस, यहां पे सैतीस आएगा। अब हमारे पास में हम इसको लेके चलते हैं ऐसे, गुणा तीन माइनस दो, सैतीस की गुणा तीन में और माइनस दो कर देंगे तो आएगा 109। इसी तरह से हम 109 को तीन से गुणा करें, माइनस दो करें 325, और वही तरीका यहां रहेगा 325 गुणा तीन माइनस दो। कि इस सीरीज को देने का मेरा उद्देश्य दोस्तों ये था कि अगर संख्याएं एकदम बहुत तेजी से बढ़ रही हैं तो वहां मल्टीप्लीकेशन है, शुरुआत में यहां पे मल्टीप्लीकेशन हुआ, अब उसमें दूसरी और भी कोई गणितीय क्रिया हो सकती है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कई बार क्या है कि डिवाइड भी साथ में हो जाता है, उस तरह की भी मेरी वीडियो आएंगी, आप देखना बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मैं एक उदाहरण और लेके चलता हूं, एक मेरे पास में ये सीरीज है एक चार दस, ये खाली जगह है, और छियालीस, छोटी सी सीरीज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक के बाद में चार आ रहा है, तो कैसे होगा, गुणा में दो जमा दो, वहां पे माइनस चल रहा था दोस्तों, यहां पे माइनस चल रहा था, यहां पे जमा चल रहा है, कि एक की गुणा दो में करूं तो दो और जमा में दो करे तो चार, अब मैं अगर वही गुणा दो जमा दो, छोटी सी सीरीज मैंने दी है, चार गुणा दो कितना हो गया आठ और जमा में दो दस, अब ये यहां पे होगा, क्या हो जाएगा, गुणा में दो जमा दो, दस दूनी बीस दो बाईस, ये सीरीज आपकी कंप्लीट। अब यही यहां पे बाईस गुणा में दो जमा दो, बाईस दूनी चवालीस और दो छियालीस। तो इस तरह की जो हमारी संख्या सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है, उनमें कि आपको दो साइन भी साथ साथ चल सकते हैं, तीन तीन भी चलते हैं दोस्तों, उस तरह की भी हमारे पास में सीरीज आएगी, आप वीडियो में बने मतलब चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत वीडियो मिलेंगी आपको हमारे इस विषय पर। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जय हिंद जय भारत।